गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी इवनिंग टाइम है और सिद्धार्थ की थोड़ी पढ़ाई लिखाई मैं करवा रही हूँ और अभी वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसकी अभी क्रिकेट एंड योगा क्लास है। तो शाम में ये जो क्लासेस होती है ना, ये बहुत इंजॉय करता है वो। किसी दिन किसी चीज़ की होती है, किसी दिन अलग चीज़ की होती है। आज योगा एंड क्रिकेट है, कल म्यूज़िक एंड कीबोर्ड क्लासेस हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग क्लासेस होती हैं और जो स्कूल का फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग टाइम में सारी पढ़ाई होती है और इवनिंग टाइम में सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं। तो सिद्धार्थ को होमवर्क में करा रही थी, उसके सिर्फ दो वर्ड बचे हुए थे, उसकी क्लास का टाइम हो गया था और वो दो वर्ड छोड़ के जाना चाह रहा था। तो इसीलिए इतनी माथापच्ची अभी चल रही थी। मैं उसे कह रही थी बस दो वर्ड कर लो और फिर अपनी क्लास अटेंड करने चले जाओ और वो नहीं करना चाह रहा था। तो स्ट्रगल होती ही है। अभी लेटली मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि बच्चे होमवर्क करने नहीं बैठते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से बैठना नहीं चाहते हैं। तो ये स्ट्रगल सबके साथ हो रही है, सारी मदर्स यही फेस कर रही हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही फेस कर रही हूँ अभी। लेकिन हाँ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा ही, उनको बिठाना तो पड़ेगा ही। तो अभी सिद्धार्थ की वही क्रिकेट, एक्सरसाइज, योगा, सारी मिली जुली क्लासेज हैं जो अभी चल रही हैं, तो वो अपना वो कर रहा है। और इतना मस्ती करते हैं ना बच्चे इन क्लासेज में, जितने भी बच्चे होते हैं सारे खूब मस्ती करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टाइम हो गया 4:30 हो रहा है अभी और आज है मंडे। सिद्धार्थ की उधर चल रही है क्लास, उसकी आज मंडे योगा एंड क्रिकेट क्लासेस होती हैं 4 से 5 तक, तो वो उधर अटेंड कर रहा है और इधर मैं अपने छोटे मोटे काम इस रूम में निपटा रही हूँ। और आप लोगों से मैंने स्पीच मैंशन नहीं किया, लेकिन पिछले 10 से हमारे ये रूम का एसी फिर से ख़राब था, तो हम लोग 10 से उस रूम में ही सो रहे थे। रात को बिल्कुल नींद अच्छे से नहीं हो रही थी क्योंकि क्या होता है, उस साइड सारे घर है ना, इधर तो खुला हुआ पोर्शन है तो इधर शोर शराबा नहीं होता है, लेकिन उस साइड सुबह सुबह ही शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। कल संडे था, कल हमने एसी ठीक करवाया। एक्चुअली इस बार इसका फ़ैन ख़राब हो गया था, तो इसको 4 हो गए हैं तो इसमें दिक्कतें आना शुरू हो गई, कभी कुछ दिक्कत तो कभी कुछ दिक्कत। गैस इसकी ख़त्म हो गई थी तो कितनी परेशानी हुई हमको 3-4 दिन, और उसके बाद अभी इसमें फ़ैन ख़राब हो गया था तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, खट 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 खट। तो वैसे मैं तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी रात को, और कोई एसी वाला मिल नहीं रहा था, जो हमारे एसी वाले भैया हैं वो भी नहीं आ रहे थे, छुट्टी पे थे या क्या बात थी। उनसे हस्बैंड ने कई बार बात की पर वो आ नहीं रहे थे, फिर उन्होंने ही किसी को अरेंज करके भेजा था कल। तो 10 से उस रूम में सो रहे थे, कल पहली बार इस रूम में सोए हैं। अभी इस रूम में बैठने में अच्छा लग रहा है क्योंकि 10 से उस रूम में थे ना, दिन में भी रात में भी, तो ये रूम एकदम ऐसे पड़ा रहता था, बस कपड़े उपड़े मैं इस पर सुखा देती थी जो भी गीले बचते थे बेड पे, और ऐसे ही पड़ा रह रहा था, बस साफ सफाई करके छोड़ दिया। तो आज हम पूरा दिन से सुबह से इसी रूम में हैं। अभी इतना सारा कॉटन लेके बैठी हूँ मैं, और जो होते हैं ना कॉटन बॉल्स होती हैं जो बाहर आती हैं, मैंने पहले भी दिखाया था काफ़ी पहले कि मैं कॉटन बॉल्स नहीं खरीदती हूँ, वो थोड़ी महंगी लगती है मुझे। तो मैं इस तरीके के ये ना पूरा लोफ ले लेती हूँ कॉटन का, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, और इस तरीके के एक कांच के जार के अंदर ना मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से तोड़ तोड़ के रख देती हूँ। तो ये मेकअप रिमूव करने के लिए, काजल, लिपस्टिक, जब भी आप रात को रिमूव करते हो लिपस्टिक वगैरह तो उसके लिए काम आते हैं। छोटा सा एक पैड लिया और इसमें रिमूवर लगा के आप रिमूव कर लो, या फिर नेल पेंट रिमूव करने के लिए, मुझे आज नेल पेंट ही रिमूव करना है, तब से लगा हुआ है, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और बहुत गंदा लग रहा है, तो ये मुझे रिमूव करना है। तो मैं इसी तरीके का ले लेती हूँ, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, वैसे आप कॉटन बॉल्स लो तो काफ़ी महंगी आती हैं, और फिर एक बॉल इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी काम भी नहीं आती, इसमें तो आप अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ करके छोटा भी कर सकते हो। तो एक ये सस्ता वाला तरीका है अगर आप अपनाना चाहें तो।
तो बस मैं इसी के अभी छोटे छोटे टुकड़े बना बना के और इसमें रख रही थी। ये एक बार भर लेती हूँ तो मेरा 1 मंथ चल जाता है। इसमें बहुत सारी रुई ठूस ठूस के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं भर लेती हूँ ऐसे ऐसे करके। और आज सुबह से ही ना मेरा कुछ भी मतलब काम तो जो नॉर्मल थे वो तो किए ही, लेकिन अजीब सा एक सुस्ती 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 लगा हुआ था। मौसम भी चेंज हो रहा है क्योंकि, और अब तो सुबह सुबह बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि सर्दियों वाली सुबह नहीं होती है, हल्की हल्की ठंडक वैसा कुछ लगता है आजकल। तो सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, इस टाइम काफ़ी गर्मी हो गई है, सुबह बहुत अच्छा था। और कल का मौसम तो इतना मस्त वाला था ना संडे का कि मैं बता नहीं सकती। पूरा टाइम ऐसा बारिश बारिश जैसा, फैन में भी ठंड लग रही थी। ये वाला जो मेरा नेल पेंट है इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, और अगर आपने गौर किया होगा, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो ये नेल पेंट मेरे पास आज से नहीं है, ये लगभग 2 सालों से है। और ये मुझे इतना पसंद है, ये ब्रांड भी मुझे इतना पसंद आता है। मेरे पास 2 नेल पेंट आए थे इस ब्रांड के, बेला वोस्टे के, एक ये कलर था और एक ब्राउन कलर था। दोनों अभी तक है मेरे पास। ब्राउन कलर ख़राब हो गया लेकिन ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। इसके बाद जो मैंने नेल पेंट्स खरीदे वो सब ख़राब हो गए, ये नहीं ख़राब हुआ। 2 साल से है, एकदम अच्छी कंडीशन में है। मुझे ये कलर बहुत पसंद है तो मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं इसका 10-20 बार लिंक भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो ये बेला वोस्टे का है, आप लोग जाके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये कलर आपको मिल जाएगा। अगर मुझसे हो पाया तो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रख दूंगी आपको अगर चाहिए होगा तो। मेरी तरफ से मैं इसको 10 out of 10 दूंगी, बिकॉज मैं 2 साल से लगभग इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। तो सिद्धार्थ की क्लास वगैरह ओवर हो गई और फिर मुझे ये रूम मिल गया। तो आगे सबसे पहले मैंने थोड़े से लंच के बर्तन रखे हुए थे वो मैंने क्लीन करके हटाए हैं, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन किया है और अपनी चाय की व्यवस्था की है बेसिकली। तो अब चाय बनाऊंगी और उसके बाद डिनर बनाने वाली हूँ। डिनर बेसिकली जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कोई भी रेसिपी आप उसको समझ सकते हैं। बहुत हेल्दी है, किड्स फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को बहुत यमी लगने वाली है और इतनी हेल्दी है ना कि आप गिल्ट फ्री होकर अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। वो डिनर रेसिपी आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा डिनर कुछ और है और मेरे जो पतिदेव हैं और मेरे जो सुपुत्र हैं उनका डिनर कुछ और है। मतलब वो लोग नॉनवेज आज खाने वाले हैं, तो बेसिकली वो मैं अपने लिए डिनर बना रही हूँ। बहुत इजी, सिंपल और बहुत ही बेहद हेल्दी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। पर सबसे पहले शाम की चाय बना लेते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने मिल्क पाउडर से टी बनाया था, तो कमेंट आया था कि एक बार आप दिखा दीजिए कि आप कैसे बनाते हैं। तो आज मैं मिल्क पाउडर से ही फिर बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है क्योंकि मैं अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने नाप के 1 कप पानी लिया है। एक जो छोटा कप है ना मेरे पास, वो वाला कप भर के मैंने पानी लिया है इसमें। और इसमें 1.5 बड़ा चम्मच भर करके मैंने मिल्क पाउडर डाला है। अभी जो मेरे पास मिल्क पाउडर है ये मदर डेरी का है, आप जो एवरीडे का आता है ना वो भी ले सकते हैं। दोनों सेम ही टेस्ट किए, दोनों मैंने यूज़ किए तो दोनों सेम ही हैं बिल्कुल। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप पानी के अंदर मिल्क पाउडर मिक्स कर रहे होते हैं उस समय पानी का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही पानी ठंडा होना चाहिए। मिल्क पाउडर को हमेशा लूकवार्म वाटर में मिक्स किया जाता है। अगर वो ठंडा होगा, एकदम ठंडे में ही आप मिक्स कर देंगे तो फिर गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं, और अगर आप ज़्यादा तेज में करेंगे फिर भी गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं।
और क्या होता है, बेसिकली जब तेज पानी गर्म होता है तो थोड़ा जो पाउडर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो कई बार आपके जो बर्तन है उसकी तली से लगकर जल जाता है, तो फिर चाय में कोई टेस्ट नहीं आता। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप मिल्क पाउडर से टी बनाते हैं तो उसको कुछ देर तक लगातार चलाते रहें, बिकॉज जो इसके एकदम टीनी टाइनी से ग्रैनुल्स होते हैं वो इतनी जल्दी भी पानी के साथ नहीं मिलते हैं, थोड़ी देर चलाना होता है। अगर आप डाल के एक दो बार चला के छोड़ देंगे तो वो नीचे सेट हो जाते हैं और फिर वो तली के साथ चिपक जाते हैं और फिर आपकी चाय का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इसमें बस ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि गुनगुने पानी में मिलाएं और लगातार थोड़ी देर तक उनको चलाते रहें ताकि वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जैसे इलायची अदरक वाली जो भी चाय बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए और ये बिल्कुल वैसी चाय लगती है जैसे दूध वाली होती है, कोई फ़र्क रत्ती भर समझ नहीं आता और बहुत अच्छी होती है। और इसमें हल्का सा स्वीटनेस भी होता है तो आपको चीनी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी फीकी चाय पीती हूँ तो ये जब डाल के बनाती हूँ तो हल्की स्वीटनेस आ ही जाती है उसमें। और यहाँ पे मेरी एकदम बढ़िया वाली शाम की अदरक वाली चाय बन करके तैयार है, तो इसको पहले बैठ के आराम से मैं पीऊँगी और उसके बाद फिर जो मेरा डिनर है मैं पहले ही बना के रख लूँगी। उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो वो अपना नॉनवेज बनाने वाले हैं और उसमें बस मुझे हेल्प करना होता है। मतलब हेल्प क्या, सारी जो प्रिपरेशन होती है वो मैं ही करती हूँ, बस बनाते वो हैं, मैरिनेट वो करते हैं, छौंकते, तड़का लगाना, ये सब काम वो करते हैं। बाकी सारी प्रिपरेशन, प्याज काटना, ये सब सब मैं ही करके देती हूँ, तो वो सब करूँगी। इसीलिए मैं अपना डिनर पहले ही बना के रख रही हूँ और सिद्धार्थ का जो थोड़ा होमवर्क बचा था वो मैं अभी उसे बिठा के पूरा करवा रही हूँ, क्योंकि जब पापा आ जाएंगे तो थोड़ी देर तो मस्ती चलने वाली है। उसके बाद फिर जो है कीबोर्ड पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है हस्बैंड आके करवाते हैं। थोड़ी सिद्धार्थ पहले से करके रखता है लेकिन जो कुछ न्यू सॉन्ग्स होते हैं जो वो नए सीख रहा होता है तो उसमें हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत बहुत होती है, अकेले नहीं कर पाता है। तो वो हस्बैंड के आने के बाद थोड़ी देर जो है ये लोग बैठते हैं अपना कीबोर्ड पे। तो चाय वगैरह हो गई है मेरी, आ गई हूँ मैं फिर से किचन में और करने जा रही हूँ अपने लिए डिनर की तैयारी। बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये मस्ट ट्राई, आप ज़रूर ट्राई करना। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ बिकॉज सिद्धार्थ को ये बहुत पसंद आए हैं, तो आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएंगे और हेल्दी हैं, तो मुझे तो लगता है ज़रूरी है एक बार बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे एक छोटा लौकी का आधा भाग मैंने लिया है, आधी लौकी है ये, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, और इसको महीन वाला जो एकदम कद्दूकस होता है ना वो किया है मैंने, एकदम जो बारीक वाला होता है वो आप कर लीजिए। और उसके बाद इसमें नमक मिला करके इसको रख दीजिए, जैसे कि हम उसके लिए रखते हैं ना कोफ्ते के लिए, बस ठीक वैसे ही आपको इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। हम बनाएंगे टेंट, अब इसको इस समय टेंट हाउस बनाना है। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और इसको टेंट की सोच रही है। अच्छा, मैंने कितनी मेहनत की, पूरा जो है ना मेरा बेडरूम में पूरे बेड पे चादरे वादरे जो उड़ते हैं हम वो सारी लगा के टेंट बनाते हैं। आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, पेश है सिद्धार्थ का टेंट हाउस। ये टेंट हाउस है इसका, बहुत ही बेहतरीन। और नहीं, विंडो भी है। अरे वाह, अच्छा स्टडी टेबल है और यहाँ पे स्टडी टेबल भी है। अब इसमें टेक्नोलॉजी नहीं डालना रहेगी, टेक्नोलॉजी। हेलो, कौन इधर से? गेट वहाँ है, गेट उधर है। तो ये क्या है? ये छोटी वाली विंडो, ये वाली, ये साइड देख, कभी इधर से सर निकाल रहे हो, कभी बीच से सर निकाल रहे हो। ये वाली यहाँ से ऐसे फ्रेंड्स बन गया। हाँ हाँ, टेंट हाउस। पहले ये देखिए, टन टन टन, देखो ये एंट्रेंस के लिए बनाया है मैंने। और ये सिद्धार्थ ने मेरी चुन्नी निकाल के सजा दी है कि ये एंट्रेंस पे अच्छा लगेगा सजा हुआ। कम से कम चलिए अंदर का दिखा देते हैं कितना स्पेस है अंदर। फ्रेंड्स आ जाइए, लेटना पड़ता है लेकिन अंदर आइए, अंदर ढेर सारा स्पेस है। तुम यहाँ पे टॉयज भी रख सकते हो। और एक चीज जो सिद्धार्थ ने, नहीं नहीं ये नहीं दिखाना, अंदर से एक सरप्राइज, अंदर से अंदर आप जाओ। चलो ठीक है, अंदर जाते हैं। तो अंदर एक और सरप्राइज है, देखो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और ये देखो लाइट जल गई। ये लाइट कहाँ से आ रही है? ओह, सिद्धार्थ ने बल्ब लगाया है अंदर। हाँ। कैसे लगाया है वो मैं बाहर चल के दिखाती हूँ। एक्चुअली इस चादर में ना एक होल है, इसने यहाँ पे ये टॉर्च ऐसे रख दी और इसको जला दो तो अंदर उजाला हो जाता है और फिर यहाँ से बंद कर दो। और यहाँ
पे फोन भी है मेरा सिद्धार्थ का। चलो एंजॉय करो, तो मैं जाके खाना बनाती हूँ। बाय सिद्धार्थ। बाय बेटा। और ये मेरा पपेट। हाँ पपेट भी है सिद्धार्थ का, जो उसने खुद बनाया है। बाय। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ये जो ग्रेटेड घिया है ये बहुत सारा है। इसमें आप चाहें तो चार लोगों के लिए कोफ्ते बना सकते हैं। तो बहुत सारा घिया लिया है मैंने, और इसकी तुलना में जो मैं बेसन लेने वाली हूँ वो बहुत कम लेने वाली हूँ। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन लूँगी मैं, 3 चम्मच बेसन जो है वो काफ़ी होगा। मतलब घिया ज़्यादा है, बेसन इसमें कम है, तो बेसन हम ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, जो कि छोटा छोटा एकदम कट करके डालिएगा। तो हरी मिर्ची ऐड कर दी है। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा अगर लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। मैंने उसकी जगह पर थोड़े से चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक पहले से घिया में ऐड है तो उसी हिसाब से ऐड करना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़े से मैंने यहाँ पे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कच्चा प्याज डाल सकते हैं, कुछ वेजीज ऐड करना और चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं यहाँ पर ये घिया की टिक्किया बना रही हूँ, घिया की टिक्की या टिक्किया जो भी आप बोल लीजिए, तो मैं इसको ऐसे ही बनाने वाली हूँ। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, जैसा कि मैंने कंसिस्टेंसी दिखाया उतना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैन में मैंने यहाँ पे तेल को गरम किया है, ये सरसों का तेल है, यही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे तो कोई स्मेल वगैरह नहीं आने वाली है। और तेल यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 1 टेबल स्पून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 टेबल स्पून होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इसको नॉनस्टिक पैन में बनाते हैं तो आप इससे आधे ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टील का था तो इसीलिए मुझे इतना ऑयल जो है वो लेना पड़ा। तो इसमें मैं इस तरीके से टिक्किया की शेप बना बना के और सारे जो बैटर है उसको इस तरीके से अरेंज कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर बेसन है जो कि कच्चा है उसे भी हमें पकाना है और घिया है उसे भी हमें पकाना है। तो हम इसे खुला नहीं बल्कि ढक करके फ्राई करेंगे। हमने ये सारी टिक्की अरेंज कर दी, फिर एकदम धीमी आंच पे हम इसको ढक देंगे और इसको लगेगा कम से कम 4-4.5 मिनट के आसपास टोटल लगेगा। एकदम सिम फ्लेम पे हमें इसे रखना है। शुरू में आंच तेज़ रहेगी जब आप टिक्की डाल रहे हैं, मीडियम रहेगी और उसके बाद फिर आप सिम कर दीजिए और आराम आराम से इनको पकने दीजिए ढक ढक के। बीच बीच में आप इनको चलाते ज़रूर रहिएगा। इनको जो ये हमने टिक्की वाली शेप दी है और इनको हम चटपटी चटनियों के साथ सर्व करेंगे, सॉस और चटनी के साथ में, तो ये बच्चों को बहुत अपीलिंग लगने वाले हैं। एज अ स्नैक्स बच्चों को बना के दीजिए, ऐसे तो घिया खाने का जल्दी कोई नाम नहीं लेता है ना। और अगर आप चीला वगैरह भी बनाते हैं ना तो भी बच्चे आनाकानी ही करते हैं। मेरे बेटे ने तो कभी नहीं खाया चीला वगैरह, क्योंकि वो देख के उसको अजीब सा लगता है, लेकिन ये जो टिक्की मैंने उसको बना के दी ना तो बहुत खुशी खुशी में उसने 2 टिक्की खा ली और उसको बहुत यमी लगा कि उसने फिर से प्रॉमिस लिया है कि आप दोबारा इसको ज़रूर बनाइएगा। तो शेप कई बार आप डिफरेंट कर दो और थोड़े बहुत इन्ग्रीडियंट इधर उधर, थोड़ा सा प्रोसेस इधर उधर कर दो तो बच्चों के लिए वही हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने ढक ढक के इसको 4-5 मिनट पका लिया। उसके बाद मैंने उसको एक किचन टॉवल पे भी निकाल दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सब निकल जाए। और ये हमारी एकदम यमी टेस्टी हेल्दी सी टिक्की, घिया की टिक्की बनके तैयार हैं। और ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आपको भी पसंद आएंगी, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। एक हेल्दी स्नैक्स हो जाएगा उनके लिए। तो इसको मैंने घर की बनी हुई धनिया पुदीना की चटनी और साथ में थोड़े से केचप के साथ इसको परोसा है, क्योंकि धनिया पुदीना की चटनी और केचप को मिक्स कर दो तो खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। और हुआ? आप खाओ तो, मेरे लिए तो क्या हुआ, टेस्ट करो थोड़ा सा। फिर आप चिकन खाना ठीक है? अरे नहीं, चिकन तो मैं खाती नहीं तो कैसे खा लूँगी। लो, सिद्धार्थ को बहुत पसंद आया ये। यमी? मेरे लिए बहुत यम बना। बचेगा ही बचेगा ही बचेगा ही। लो हाँ, टॉवल दे रहे हो। कैसा है? बहुत यमी बना है और बहुत हेल्दी भी है। बहुत यमी, बहुत हेल्दी सा है डिश ये। मैंने इसको बनाया था किसी और चीज़ के लिए, लेकिन अब मेरा डिनर यही होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो अपना खाना खाने वाले हैं, तो मैं यही डिनर कर लूँगी और हो जाएगा। और ये देखो सब्ज़ियाँ वगैरह आई हैं, अभी हस्बैंड नहा रहे हैं, वही सब ये लेके आए हैं, उन्होंने ही वॉश किया है।
थोड़ी बहुत सब्ज़ी, हरा धनिया चटनी के लिए, और ये फ्रूट्स। तो ये सारा वॉश करके यहाँ रखा है ताकि ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इनको फ्रिज में डाल दूँ। क्या कर रहे हो चोर? थोड़ा सा ही क्या? बिल्कुल खा लो बेटा, इतना सब वैसे भी नहीं खाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस व्लॉग की बहुत प्रॉपर एंडिंग नहीं दे पाई हूँ मैं, तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।